नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राम वर्मा और एक बार फिर हाजिर है एक नए प्रश्न के साथ। तो प्रश्न है प्रश्नवली 3 का प्रश्न क्रमांक 2। सीरीज चल रहा है अध्याय 12 वृत्तम स्पर्श रेखा कक्षा 10वीं गणित हिंदी मीडियम वालों के लिए सीजी बोर्ड का। तो चलिए देखते हैं प्रश्न है। प्रश्न में एक आकृति दिया गया है और आकृति के को देख कर आपको इसको सॉल्व करना है। क्या दिया गया है आकृति में, आपको PBO का मान ज्ञात करना है। PBO मतलब ये इधर ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है, ये एंगल निकालना है। और उसके लिए आपको क्या दिया गया है, AOB ये एंगल आपको 50 दिया है और PQB ये आपको 75 दिया है। अब इसके सहायता से आपको क्या निकालना है, PBO ये एंगल आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर आपको ज्योमेट्री का थोड़ा सा भी बेसिक अगर मालूम है तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि इसको कैसे निकालेंगे। ये 75 है, ठीक है, ये PA और BO ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहे, तो यहाँ कौन सा कोण बन रहा है, यहाँ बन रहा है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इसको इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। और ये दो लाइन जब भी कटती है तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये कितना हो जाएगा, 75। 75 और 50 को जोड़ोगे और 180 से माइनस करोगे। 180 से माइनस क्यों करोगे, क्योंकि कोई भी त्रिभुज में तीनों कोणों का माप 180 होता है। तो आप क्या करोगे, 75 और 50 को जोड़ोगे और 180 में से माइनस करोगे तो आपको ये ए वाला एंगल मिलेगा। अब ये एंगल मिलेगा तो ये देखिए OP और OA क्या है, त्रिज्या है, मतलब भुजाएं समान है, तो इनके सम्मुख कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो ये और ये समान हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो देखिए बहुत आसान है। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब क्या दिया गया है आपको, एंगल PQB बराबर 75 अंश दिया गया है। ठीक है, इसीलिए कौन सा OQA ये एंगल OQA, इसलिए एंगल OQA बराबर कितना होगा, 75। क्या बोलते हैं इसको, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, बराबर होंगे। अब दो चीज मिल गया, त्रिभुज OQA में, ठीक है, तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे, कौन कौन सा, AOQ है ना, ये जो देखे हैं AOB या फिर AOQ प्लस में OQA प्लस OAQ बराबर कितना हो जाएगा, 180। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 होता है। तो AOQ कितना दिया है, 50। OQA अभी निकाले हैं 75 प्लस में OAQ बराबर 180। अब OAQ पता नहीं, इसलिए तो OAQ या एंगल का साइन डालना, हाँ
बराबर कितना होगा 180। ये 75 और 50 कितना होगा, 50 70 120 और 5 125 हो जाएगा 125। तो कोण ओ ए क्यू बराबर, अब 180 में 125 घटा दिए तो कितना आएगा, 55। ठीक है, करके देख लीजिए, इसको देख के रखिए, आगे में देखेंगे। अभी आपका मिल गया है कितना है, 55, अभी निकाल लिए ना। अब आपको पता है ओ ए बराबर ओ पी, क्यू बराबर है एक ही वृत्त की त्रिज्या है, देखिए त्रिज्या। गणित में कुछ नहीं है, बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, फिर सब आसान होता है। शुरू में आप नाइन्थ क्लास में बेस अच्छे से नहीं बनाते हैं एट क्लास में, इसीलिए आपको टेंथ क्लास हार्ड लगता है, नहीं तो हार्ड होता नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या, ओ ए और ओ पी बराबर है, तो कोई भी इसमें जब भुजाएं बराबर होते हैं उनके सम्मुख कोण बराबर होता है त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए एंगल ओ ए क्यू बराबर ए वाला एंगल बराबर ओ वाला एंगल रहेगा, एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, ये क्या होगा, ये ऐसा क्यों है, ये क्या बोलते हैं इसको, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण है। ठीक है, इसलिए बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ओ पी क्यू बराबर 55 हो जाएगा, वो 55 है इसलिए ये भी 55 होगा। अब ठीक है, ये भी 55 कर लिए। अब देखिए त्रिभुज बड़े वाले में ए ओ पी, ये पूरा बड़ा त्रिभुज में, त्रिभुज ए ओ पी, कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, ए ओ पी, ये बड़े त्रिभुज का। अब इसमें क्या क्या है आपके पास, ये 55 55 है ना, और क्या होता है, तीनों का जोड़ने पर आपका 180 आएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं तीनों को, कौन कौन सा जोड़ेंगे, कोण ओ ए क्यू प्लस ये वाला ओ वाला, ओ ए क्यू ओ ए पी भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोण ओ पी क्यू प्लस में कौन सा ए ओ पी, एंगल ए ओ पी बराबर 180 आएगा। इन दोनों का माप आपके पास है, 55 प्लस में 55 प्लस में ए ओ पी बराबर 180 है ना। अब देखिए समीकरण बस सॉल्व करते जाना है, अब कितना होगा ये, 50 50 100 5 5 10, 110 हो जाएगा। तो एंगल ए ओ पी बराबर 180, 110 ही को इधर ला लीजिए 110, तो ये कितना हो जाएगा, 70 70 ही काम है ना, 180 और 110, तो ये हो जाएगा 70। कितना, ये पूरा ए ओ पी, ये पूरा, यहाँ देखिए आकृति में, ये पूरा कितना है, 70। ठीक है, अब हमको ये ऑलरेडी 50 है, पूरा 70 है, तो ये कितना होगा, 20। निकालना कैसे देखिए, एंगल ए ओ क्यू प्लस में एंगल पी ओ
बी इधर वाला एंगल बराबर कौन सा एंगल बना है, ए ओ पी एंगल, ए ओ पी। तो ए ओ क्यू आपके पास है 50, ठीक है, और एंगल पी ओ बी आपको मालूम नहीं है। पी ओ बी मतलब ये वाला एंगल, पी ओ क्यू तक भी लिख सकते हैं, बी तक भी, वो लाइन में कोई भी पॉइंट लिखिए एंगल चेंज नहीं होगा, उसका कोई मैटर नहीं है, ठीक है। और ए ओ पी हमने अभी अभी निकाला है, 70 आया था, ठीक है 70। तो अब अगर हमको ये एंगल चाहिए, पी ओ बी चाहिए, तो 70 माइनस 50 बराबर 20 डिग्री, ठीक है, ये हो गया पी ओ बी। अब आप देखिए ए वाले में ये आपको पता है कितना है 20, ठीक है, आकृति में देखिए, अब आपको पता है ये 20 है। अब देखिए पी ओ और बी ओ क्या है, ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ये कोण और पूरा ये कोण बराबर होगा, और आपको ये मालूम है, तो हो गया अभी सवाल। देखिए कौन सा लेंगे त्रिभुज पी ओ बी, त्रिभुज पी ओ बी में क्या करेंगे, तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे। उसके पहले एक लाइन ये लिख देते हैं, पी ओ ये आपका पी ओ जो है बराबर है बी ओ के, पी ओ बराबर बी ओ क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो इससे क्या होगा, उनके जो सम्मुख कोण रहेंगे वो बराबर हो जाएंगे, है ना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, इसीलिए कोण कौन सा ओ पी और बी, ओ पी बी कोण ओ पी बी बराबर कौन सा कोण पी बी ओ, है ना, पी बी ओ के बराबर हो जाएगा, कोण पी बी ओ, इतना चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो अब इसमें क्या होगा, इस त्रिभुज में तीनों कोण को जब जोड़ेंगे, एंगल ओ ओ पी बी प्लस में एंगल पी बी ओ, है ना, और प्लस में क्या है ये वाला पी ओ बी, पी ओ बी कितना आएगा 180 आएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या है, ये एंगल हम लोग निकाल लिए हैं 20, कौन सा है पी ओ बी, है ना, और हमको निकालना क्या है पी बी ओ। तो पी बी ओ यहाँ देखिए, पी बी ओ किसके बराबर है, ओ पी बी के, तो ओ पी बी के जगह हम पी बी ओ लिख सकते हैं, ये हो गया पी बी ओ, इसको भी लिख देंगे, जब दोनों समान है तो ओ पी बी के जगह पी बी ओ लिख सकते हैं। और ये पी ओ बी कितना आया था हमारा, तीन नंबर में देखिए 20, ठीक है बराबर 180, है ना, पी बी ओ प्लस पी बी ओ क्या हो जाएगा, दो पी बी ओ हो जाएगा बराबर, ये 180 माइनस 20, है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 180 में 120 गया तो 160। अब दो पी बी ओ बराबर 160 है, तो खाली पी बी ओ बराबर 160 बटे में ये दो आ जाएगा, बराबर कितना आएगा 80। तो उत्तर दोस्तों आपको यही फाइंड करना था, पी बी ओ कितना आया है 80, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, इसने थोड़ा लंबा करने के लिए ये सब बना दिया है,
डायरेक्ट ये ना देकर यहाँ दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ज्योमेट्री का बेसिक क्लियर है तो सब आसान हो जाएगा। आप वीडियो को बार बार रिपीट करके और देखिए अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, धन्यवाद इस वीडियो को पूरे अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जमकर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।